हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ मैट्रिक सिम कार्ड के ऊपर। तो मैं निकल रहा हूँ 22 तारीख को सिंगापुर से, मलेशिया से, क्रूज से फुकेट। तो मेरा पूरा 11 दिन और 10 नाइट का पूरा जो है प्लान है। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स कार्ड के बारे में। मैंने परचेस किए दो, मेरे और मेरी वाइफ के लिए। तो बेसिकली इसमें कैसा है, ये जो कंपनी है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल सिम कार्ड्स। अगर आपको यूरोप, इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड, सिंगापुर, जहाँ पे भी आपको जाना हो, अब मैट्रिक्स की वेबसाइट पे खोलो, उसके पूरा जो है डिटेल पढ़ो, या तो उसके ऊपर मैट्रिक्स की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, ये देखिए, वहाँ पे जाकर कॉल करो। वहाँ पे कॉल करोगे तो वहाँ पे आपसे कोई बात कराओ, अचानक से दो से तीन मिनट के अंदर आपको कॉल आ जाएगा और वो जो उनके एजेंट है आप उससे बातचीत कर सकते हो। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो मैंने क्या किया है, मैंने परचेस किया साउथ ईस्ट एशियन प्रीपेड सिम कार्ड। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। इसका जो प्राइस भी काफी बढ़िया है, मतलब आप समझो ना कि अफोर्डेबल है, परचेस कर सकते हैं। तो मैंने जो परचेस किया है वो है 1648 और इसमें जो प्लान है, अभी हम बात करेंगे प्लान के बारे में। तो प्लान जो है वो है 7.5 GB 10 डेज की वैलिडिटी के साथ, प्लस आप इसके अंदर जो सिम के अंदर जो नंबर मिलता है वो मिलता है प्लस 44 से। अब इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप समझिए कि सिंगापुर मलेशिया जा रहे हैं तो सिंगापुर से ये भी प्लस 44 है, ये भी प्लस 44 है। तो आप इसको जो है एक दोनों से कॉल करो, इससे कॉल इसमें करो, अनलिमिटेड कॉल है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। सेकंड चीज है इसकी प्राइस जो बोली मैंने 1648 अगेन, और इसके अंदर जो इनकमिंग कॉल है, समझो कोई इंडिया से, कैनेडा से, कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी कॉल कर रहा है, तो इसके अंदर बेझिझक अनलिमिटेड कॉल कर सकते, इनकमिंग नॉट आउटगोइंग। आउटगोइंग भी दिया हुआ है, आउटगोइंग के अंदर कैसा है कि आप 100 मिनट तक इंडिया में कॉल कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे इसके कंट्रीज के बारे में। तो ये कंट्रीज में कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, तो ये यूज हो सकता है सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। और डिटेल्स में इसकी बात करें तो अदर टेक्निकल रीजन में कैसा है कि जो इसका नेटवर्क है वो डिपेंडेंसी ऑन द कंट्री, कि कौन सी कंट्री में कितना लेवल का नेटवर्क आ रहा है और कैसा अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड चीज है इसकी स्पीड, इट विल बी वर्क इन 3G 4G एंड LTE, ये 3G 4G एंड LTE में भी वर्क करेगा। इसका है शिपिंग टाइम कैसा होता है, जैसे मैंने इसको मंगाया था ये दोनों सिम को, तो मैंने एक दिन के अंदर ये, सॉरी दूसरे दिन में ये डिलीवर हो गया था। इसका जो फोन नंबर है वो शुरू होगा प्लस 44। और एक्टिवेशन जो है, एक्टिवेशन में अभी मैं आपको इसका मेन बताता हूँ। एक्टिवेशन कैसा होता है, जैसे हम किसी एजेंट के साथ बात कर रहे हैं, इसका एजेंट है जो पहले जो हम जिससे बुक करेंगे, वो एजेंट इसमें अपने को लिंक भेजेगा, उसमें अपने को पेमेंट करना है, एवरीथिंग इज फुली सिक्योर, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी हम इसके पीछे एक सिम कार्ड का डिटेल दिया होता है, सिम कार्ड का डिटेल मुझे उसे व्हाट्सअप करना होगा। तो व्हाट्सअप करने के बाद वो अपने सॉफ्टवेयर में डालेगा, सॉफ्टवेयर में डालने के बाद वो हमें फोन नंबर भेजेगा। तो मुझे ये दोनों सिम कार्ड के जो है फोन नंबर जो आ चुके हैं। फिर फोन नंबर आने के बाद हमें उसे बोलना कि भाई मैं यहाँ से ये तारीख से ये तारीख तक मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप उसके बाद ये तारीख से आप उसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। तो उस तारीख से एक्टिवेट होने के बाद एग्जैक्ट 10 डेज तक ये चलेगा। सेकंड, अगर आप ये सोच रहे हो अगर आपका और कोई कंट्री में जा रहे हो तो ये यूज आने वाला है नहीं, क्योंकि जितने का तो इसका प्राइस है उतने का सिम कार्ड नया आ जाएगा, तो इसका वन टाइम यूज ही समझो। फिर नेक्स्ट चीज है, एक और चीज बताना रह गया कि हमें जो है उसे ये सिम एक्टिवेट करने से पहले अपना वीजा भेजना पड़ता है और अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता है, और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, मतलब कैसे जा रहे हैं वो भेजना जरूरी नहीं है, आप उसको फोन पे भी बता सकते हैं। और कंपैटिबिलिटी, मतलब दिस फिजिकल सिम कार्ड विल बी कंपैटिबल विद 3G एंड 4G फोन, मतलब ये 3G एंड 4G फोन दोनों में ये काम आ सकता है, और ई सिम अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो ई सिम के अंदर में आप यूज कर सकते हो। बढ़िया है, मैंने इसके बारे में रिव्यूज पढ़े, काफी बेस्ट है, कोई चीज नहीं, कोई गलत नहीं है, फ्रॉड भी नहीं है, एकदम बेस्ट कंपनी है, उसका नेटवर्क भी अच्छा है, और बजट में भी सिम कार्ड यार आज के टाइम पे 1648 के अंदर सिम देता कौन है। बाकी टी सिम देखो, वर्ल्ड सिम देखो, काफी सारे जो कंपनी से कॉस्टली है, इससे ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप रोमिंग कराने का सोच रहे हो तो रोमिंग का तो आधा ही पैसा है। ये तो जो मैट्रिक्स कंपनी है, मैट्रिक्स कंपनी के अंदर काफी सारे सिम कार्ड है अलग 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 कंट्रियों के, विद बेस्ट चीप प्लान, जितने भी है बेस्ट एंड चीप प्लान के साथ, एकदम झक्कास कंपनी है ये। तो दोस्तों वीडियो जो है अभी यही हम खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।